दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ वी में एक बार पुनः एक नई एनालिसिस एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस शेयर के बारे में बात करना चाहते हैं उस पर बात करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि स्क्रीन पर जो डिस्क्लेमर है उसको पढ़ के ही आगे बढ़ें ताकि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। साथ साथ एक और गुजारिश है कि वीडियो पूरा पूरा देखें ताकि आपको जानकारी पूरी पूरी मिल सके, क्यों क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, इसलिए जानकारी भी आपको पूरी पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, आज मैं जिस कंपनी का एनालिसिस लेकर आया हूँ वह भारत सरकार की PSU कंपनी है, मिनी रत्न की उपाधि उसको मिली हुई है और वह पावर जनरेशन से संबंधित है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ SJVN की। यह एक छोटे साइज की कंपनी है, भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी है। इसमें भारत सरकार प्लस हिमाचल प्रदेश सरकार की दोनों का संयुक्त उपक्रम है और NSE और BSE दोनों में लिस्टेड है। अभी अगर इसके कैपेसिटी की बात करें तो टोटल 7489 मेगावाट पर कंपनी काम कर रही है, लेकिन इसकी जो प्लांट ऑपरेशनल है, मतलब इंस्टॉल्ड एंड कमीशन्ड कैपेसिटी कहेंगे तो 2015 मेगावाट के आसपास है। 2880 मेगावाट का जो प्लांट है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 482 मेगावाट का जो प्लांट है वो अंडर अप्रूवल है और 2112 मेगावाट का जो प्लांट है वो अंडर सर्वे है। कंपनी जो है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी काम करती है। इसके अलावा मैं बताऊं कि कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मेजर है और थोड़ा सा विंड पावर में भी है। जो अभी इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसमें 97.6 मेगावाट की कैपेसिटी जो है वह विंड पावर की है और 5.6 मेगावाट की कैपेसिटी जो है सोलर पावर की है, लेकिन बाकी इसके अलावा जो भी है वो सारे के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। यह कंपनी का आपको ब्रीफ दे दिए। कंपनी के फिनेंशियल पे बात करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छे लगे, लाभप्रद लगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके अपने भावनाओं से अवगत कराइए। अगर अच्छा ना लगे तो शौक से इसको डिसलाइक करिए, वेलकम करता हूँ आप डिसलाइक करने वाले को भी। दोस्तों, आगे इसकी आज जो क्लोजिंग प्राइस हुई है कल, उसके 21.15 रुपया के हिसाब से इसकी फिनेंशियल्स इंडिकेटर क्या कहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। इसका जो मार्केट कैप है 8312 करोड़ रुपया है, बुक वैल्यू 30.48 रुपया के आसपास है, फेस वैल्यू जो इसका है 10 रुपया है और मात्र 4.8 के PE मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई लो की बात करें तो 27.55 रुपया का इसका हाई है और 17.15 रुपया का इसका लो है। लो से अभी लगभग 20-30% बढ़ा है और डिविडेंड यील्ड इसका बहुत ही बढ़िया है, 10% है। मैं इस जो कोरोना क्राइसिस का जो माहौल चल रहा है इसमें हाई डिविडेंड कंपनी, हाई डिविडेंड जो भी कंपनी होगी वो निश्चित रूप से कर्ज उसका कम होगा तभी डिविडेंड दे पाएगी। तो हाई डिविडेंड या कर्ज मुक्त कह लीजिए, इस कंपनी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो इसमें डिविडेंड यील्ड 10% है जो FD से काफ़ी बेहतर है। और कंपनी का कहीं निवेश जो शेयर मार्केट में होता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि शेयर प्राइस में ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर डिविडेंड भी 10% 15% किसी कंपनी का मिलता है तो वह भी निवेश के लिए अनुकूल है, भले ही उसका शेयर प्राइस बढ़े या ना बढ़े। दोस्तों, 1.75 रुपया का डिविडेंड ऑलरेडी 2020 में कंपनी दे चुकी है, कंपनी 2 बार डिविडेंड देती है। सेल्स ग्रोथ इसका 2% है, वो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि पावर जनरेशन
प्लांट जो है उसका सेल्स ग्रोथ जल्दी नहीं बढ़ता है। अब जो मैंने आपको बताई कि 2880 मेगावाट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर डेवलपमेंट है, तो ये जैसे ही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंस्टॉल्ड हो जाएगी और जैसे ही ये प्लांट ऑपरेशनल हो जाएंगे वैसे ही इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो वो कोई इशू ज़्यादा नहीं है। इसकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका मात्र 0.17 डेट इक्विटी रेशियो है। पावर जनरेशन कंपनी में, भारत सरकार की कंपनी, इसकी 2115 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी भी है और 2880 मेगावाट पे ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी इसकी जो डेट इक्विटी रेशियो है मात्र 0.17 है, जो बहुत ही बढ़िया कही जा सकती है, बहुत बढ़िया। और साथ साथ में जो ROC आप देखेंगे, ROC तो 15.97% है, बहुत बढ़िया है। और इसको ROE देखेंगे तो 12.85% है, ये भी बहुत बढ़िया कह सकते हैं आप। अगर फिनेंशियल ईयर 18-19 की सेल्स देखें तो 2655 करोड़ रुपये के सेल्स के अगेंस्ट में 1364 करोड़ रुपये इसको प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 3.47 रुपये के आसपास इसने EPS जनरेट किया था। और दिसंबर की सेल्स देखें तो 490 करोड़ सेल्स के अगेंस्ट में इसने 212 करोड़ रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया था, जो 0.54 पैसे EPS होते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी फिनेंशियल्स है ये काफ़ी मजबूत है, इसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में बहुत बढ़िया रहता है और इसका लाइफ भी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें फ्यूल कॉस्ट लगता नहीं है, कोयला लगना नहीं है। तो जो जो खर्च होते हैं वो सिर्फ ऑपरेशंस में खर्च होते हैं, ऑपरेटिंग खर्चे कह सकते हैं आप। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा है और चूंकि डेट इसका बहुत कम है तो इसमें काफ़ी स्कोप बचता है, और चूंकि बहुत सारे प्लांट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन हैं या अंडर अप्रूवल हैं या अंडर सर्वे हैं, तो उससे भी इस कंपनी में भविष्य में 10-20 साल के लिए यह कंपनी बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो इसमें भारत सरकार का जो परसेंटेज है वो 59.92% है और हिमाचल प्रदेश सरकार की जो है 26.85% के आसपास है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 86.77% जो है भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त हिस्सेदारी है। इसमें म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी 4.36% है, सोचिए 4.36% म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी है, पब्लिक के पास मात्र 4% शेयर है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब पब्लिक के पास शेयर कम रहता है, रिटेल निवेशक के पास शेयर कम रहता है, तो उसमें थोड़ा भी अगर कोई म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनी खरीदना चाहे तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। निश्चित रूप से इसमें ग्रोथ धीरे धीरे होगा, शेयर प्राइस जैसे बाकी अभी तक मेरे शेयर का परफॉर्मेंस रहा है, जैसे बहुत जल्दी 30% 40% रिटर्न दिए हैं, वैसे होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी इस रेट पे एंट्री पॉइंट बहुत बेहतरीन बनता है और यह निवेश करने योग्य शेयर है हमारे हिसाब से। दोस्तों, इसके साथ मैं आप लोगों को एक बार पुनः याद दिला दूं कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि समय से उनको नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे, अगर लाभप्रद लगे, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइए ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए नई नई जानकारियाँ लाता रहूँ। इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।